इसका आया कम नहीं है? देखा नहीं, उतना ही जितना मंगवाया था। आए कर आए लग रहा जैसे डस्टबिन बैग में नहीं सामान डाल के भेजते है ना, इतना कोई कप मटेरियल तो कोई है नहीं। ये क्या वो है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? पता नहीं, पतले पतले डस्टबिन बैग जैसे। क्या क्या है इसमें देख लेते हैं भाई, से कुछ मिस तो नहीं? ओह माय गॉड, ज्यादा तो डाइटिशियन ने बोला है बेटी साहब को धनिया की चटनी खाओ, धनिया ही धनिया मंगवा रहे हो, दही क्यों नहीं, दो दो करके खीरे मंगवा रही है, महंगे थे बाजार से, लो बाहर के यहाँ बाहर से ले लो ना सब्जियाँ। अभी तो ब्रेकफास्ट में सैलड बनाएगा ना मेरे लिए, खीरे तो पड़े थे ना, एक ही है उसमें। ये मैंने सीडलेस मंगवाए हैं यार। अभी दीदी जी की बन रही है चाय, इसको बर्तन को सीधा तो रखो तभी तो हीट जाए यार। वो कहाँ, तो मैंने यहाँ बना ली अपनी कॉफ़ी, एक सेकेंड। What's up everyone, welcome back to our new vlog। 5:30 हो रहे हैं जी शाम के, अच्छी खासी धूप निकली थी, कड़कती हुई, कपड़े कुपड़े धोए थे और अब बादल आ चुके हैं। डैडी का फ़ोन आया जस्ट अभी, रायकोड़ में तो बहुत धुआंधार बारिश हो रही है और आंधी तूफान भी आ रहा है। पता नहीं इस महीने में इतनी बारिश क्यों हो रही है जब फसलों के मतलब एकदम एंड स्टेज पे पहुंची हुई हैं। और अभी जस्ट कर रहे हैं लंच, तो बहुत बोरिंग दिन है भाई, आज कुछ करने का मन नहीं था, बहन भी सो गई थी, मैं तो मैच ही देख रहा हूँ सुबह से। जिम मेरा बंद है अभी 2-3 दिन के लिए क्योंकि कुछ काम चल रहा है, वो भी इतनी मुश्किल से आदत लगी थी जिम जाने की, वो भी बीच में बंद हो गया अभी, तो अभी तो देखते हैं शायद मंडे को खुलेगा, कल तो संडे आ गया। और आज बनाए फेवरेट मेरी पनीर की सब्जी, ये है मैंने सोच को बनाई थी धनिया की चटनी, ये सूजी का एक चिल्ला खा के देख रहा हूँ बहन ने बनवाया है। और ये है मेरी मल्टीग्रेन रोटी। इति साहब आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, न्यूज़ दूँ या सरप्राइज ही दे दूँ? कंचन आ रही है या अभी? हाँ अब तो जा बो, हाँ मैं बोर नहीं होगी, जा अब मुझे तेरी लोड नहीं है। वो वैसे कर लेना था, मैं कह रही आज ही आ जाऊंगी, आज आ जाऊंगी। दो बहने हैं ना, जैसे मैं मेरे साथ हम दोनों का है, भाई बहनों का होता है, छोटे मुंडे जी लग जाता है वक्त, कैसे वक्त बदल जाता है मेरी तरह। Oh my God। अब हम एक दूसरे से बोर होते हैं। और गाइस आज मैं बहुत काम करने वाली हूँ। क्या? मैं आज सारे काम दिखाऊंगी जो मैं करती हूँ। अच्छा। आज मैं बहुत काम करूंगी तो मेरे ब्लॉग में देखना मैंने क्या कर के आऊंगी। आज गाप आ जाना मेरी साथ सोई ना रात में। ये तो ये डंडा उठाऊंगी। ओए रहने दे रहने दे। मैं ना और खाना क्या खाऊं यार अभी? खाना और यार मेरे को बताया अभी, एक्चुअली मैंने ना अपने ब्लॉग में शेयर किया था कि मेरे को यहाँ जलन होती है बहुत, मतलब अब मैं स्पाइसी नहीं खा रही हूँ, कुछ नहीं खा रही हूँ, बहुत नॉर्मल सा खाना है मतलब खा रही हूँ, उसके बाद भी जलन होती है। तो फिर पता है क्या बताया, कहते बेबी के ना ग्रोथ सॉरी हेयर ग्रोथ होती है ना। देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये जो तुम रीज़न बोल सकते हो या एसिडिटी, नहीं या फिर दूसरी चीज़ हो सकती है बैंगन को देख के बैंगन रंग बदलता है। मतलब सोच क्या मतलब मैं कहना चाहता हूँ, कंचनल रह रहे कि कंचनल ही बड़ी मोटी है आदतें होगी उसको, जैसे हो जाते हैं ना मसाला मुझे जो भी प्रेगनेंसी है। पर मैंने देखा है अभी जिस भी खाना वगैरह जो बना रहे हैं ना वो तो थोड़े से मसाले से तेरे को मसाले ज्यादा लग रहे हैं, थोड़े ही है ना मसाले, हाँ, वो भी ज्यादा लग रहे हैं। पर वो कहती दीदी अब मैं क्या डालूंगी ना मसाले के, मैं क्योंकि मैं भी बहुत कम डालता हूँ, कुछ बनाता हूँ तेरे को लगता है नमक बहुत ज्यादा हो गया, बट वो कम होता है, होते नहीं। पर मुझे काफी लेडीज ने बताया जो मॉम बन चुकी हैं कि हमें भी हुआ था, और ये जो रीज़न होता है उस टाइम पे बेबी की शायद ग्रोथ या ग्रोथ होती है उसकी वजह से जलन होती है, तो मैं देखो नहीं ग्रोथ ज़्यादा होगी पर्पल के बाल हो इधर जॉन अब्राहम तेरे नाम तेरे नाम मैं क्या पैदा होते बच्चा ऐसे करेगा, हाँ बाल की दुकान। तुझे खुशी नहीं हो रही तेरी बीवी आ रही है या वाइफ इज कमिंग तो मुझे बोल रहा है, इतने तो रहती है केड़ा बारी दूर है तो फिर भी आई एम हैप्पी, मैं तो कह रहा था जा 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 जा, हां पर कह रही थी कल आऊंगी बट फिर वो भी आ रही आज, हां दोनों दा लग गया नहीं ना दिल,
ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ 5-6 ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਰ ਹੋਏਂਗਾ ਇਧਰ ਤੇ ਮੈਚਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਕੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ कीर्तन है फिर शायद शादी हो रही होगी वहाँ हो रहा होगा मतलब यह ऐसा है इसको कोई दुनिया नहीं मतलब अभी 7:20 हो रखे हैं और ये आई थिंक तो 1 बजे से बैठा है मैच देख रहा है ना 3:30 से अभी 11 बजे तक बैठूंगा बीच में तू मैच बंद सोने गई तो उसे पहले से देख रहा है 2:30 बजे से हाँ मतलब क्या है ओ पैसा बहुत वो लग गया अपना ओ यार 1 रुपया लाया तू 1 रुपया 25 रुपए ये जो अरे ये मतलब ये जो फैंटेसी एप्स होती है ना जो उसको फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो वो खुद ही बोनस दे देते हैं बस वो करता हूँ कल जैसे 50 रुपए का बोनस मिला था मेरे को फर्स्ट टाइम लॉगिन का वो 50 के 53 बन गए वही 50 मुड़ के फेर लाते वो अपनी जेब से कुछ नहीं इट्स वेरी रिस्की अपना ऐसे गैम्बलिंग नहीं करनी जो फ्री का मिल रहा है बस वही लगाओ मैं तो ऐसे स्वाद के लिए करूँ क्योंकि क्रिकेट मेरे को अच्छा लगता है और ये फ्री का पैसा किसी और का लगा के तो मेरा थोड़ा और इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है देखने में मैच तो अरे जीजा जी तो डोंट लाइक क्रिकेट जीजा जी की कह रहे हैं मेरे को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं क्रिकेट कहते मेरे को समझ नहीं आता लोग कितनी बारीकी से देखते हैं अरे लेग्स पे लगी है अरे यहाँ से लगी है ये बब्बू चाचा फैन है वो उन्होंने बहुत नॉलेज में देखे होते जब मैं देखे को नहीं है रात के बज रहे हैं 8 और मैं अभी जा रहा हूँ कंचन को लेने कंचन को आ चुका है मैसेज ठीक है बेटी साहब आई एम गोइंग लेने कंचन को बारिश तो हो रही है हल्की हल्की वॉक जा ही नहीं सकते बारिश कहाँ से बारिश हो रही है 8:15 हो गए बारिश हो रही है ठंड इन्नी है बीमार हो जाओगे इतने आए करो आए तो कमरे इतने तक चलो वॉक करो है चार्ज हो रहा है ता नहीं बैटरी मतलब तार है ना अच्छा अच्छा तो मैं की कह रहे हैं दूजी गल भाई साहब देखो लगा रखा है ले रखा है आईफोन ठीक है उसको लगा रखा है रोड के 1.5 लाख का आईफोन लगा रखा है 2-3 हज़ार का ही होगा रोड का स्टैंड है ना और टूटी है मेरी 1500 लाइया हुई है ना पैसे मोक गए आईफोन तो बाद बारिश भी पता नहीं कितनी हो रही होगी यार सोच रहा हूँ बाल कटवाऊँ भी ना कटवाऊँ ये पता नहीं क्यों उठा रहा है साथ में ऐसे तो बारिश ही बहुत तेज हो रही है कैमरे में दिख नहीं रही इतनी तेज बारिश हो रही ऊपर अब क्या करूँ भाग के मैं तो चला जाऊँगा इधर नहीं आ रही तो इधर ला के पार्किंग करेंगे पहले ओहो इतनी ऊपर से दिखती नहीं है कितनी तेज आ रही होगी भागते हैं उही मम्मी पहुंच गया और एकदम अंदर लगानी पड़ी है गाड़ी ताकि बारिश में गीली ना भीग ना जाए कंचन फिर से ना एक बारी इधर दे दो मैं इधर से रख देता हूँ बाय बाय मारने के लिए आओ ठाकुर आओ तनु थैंक यू बोल मेरे को थैंक यू सोचते कितनी है देख रोन के लिए चाहिए डंडा चाहिए डंडा नहीं गत्ते का ले जा ले जा अरे ये रैपर का ले जाओ घुमाने के अरे इतनी बारिश में भी लेने आया हूँ मैं कहा ना अब कोई बहाना नहीं अब बहाना नहीं मतलब कि बारिश का भी बहाना नहीं है अब लाने के लिए हाँ। मेरे को तो नींद आ रही थी ना मैं सो जाती हूँ पेन हो रहा था ना हाँ। ऐसा क्या हुआ कंचन चेक करके आई हूँ मैं ऐसा क्या हुआ कंचन कि एक दिन भी वेट नहीं किया तुमने क्या मैंने कहा जल्दी जाती हूँ तुम कह रहे थे ना आने के लिए मैंने सुबह सुबह कंचन को किया था फोन कंचन ने तो मना कर दिया था पता नहीं रात को तुमने कहा था कि आ जाना आज मैंने कहा चली जाती यार ऐसे दोनों दास हो रही है मेरे बिना ओहो दीदी का ब्लॉग देख के रहा नहीं गया
मेरे को हो सिस्टर यू मिस्ड मी टू मच और दूसरी तुम ऊपर से निभी है ना अभी तो ठीक हो ना वैसे हाँ वैसे तो ठीक हूँ मैं बस मतलब बैठना करना ही है काम तो वैसे भी कुछ नहीं है पहले कंचन को मैंने बताया सुबह के पहले मैंने कंचन को सुबह फ़ोन किया कि हमारी शायद ना काम वाली आंटी दो दिन की छुट्टी पे जा रही है मैंने सिर्फ नॉर्मली बोला कंचन घबरा गई कहने मुझे काम करने के लिए बुला रहे फिर बट इसको शाम को मैसेज आ गया था कि आज ही ना तो वैसे कल आ रही थी है ना कल आ रही थी मैंने सोचा रात को ही चली जाती हूँ ना और बारिश भी हो रही है मतलब मौसम से कोई सेंस नहीं बना बात का नहीं नहीं मैंने कहा यार तुम मिस कर रहे हो ना बहुत ज्यादा चली जाती हूँ फिर सुबह में फिर वही टाइम लग जाता है फिर सारा दिन निकल जाता है जाते जाते वेस्ट हो जाता है मैंने कहा यार रात को ही चली जाती हूँ कौन सा ज्यादा दूर जाना है पास में ही तो घर है हमारे बारिश इधर तो नहीं आ रही ना ये लो ये पकड़ो पहले सामान लेकर आऊंगी हाँ हाँ तो इधर उतार के रखो ना मैं गाड़ी रख के आता हूँ ये भी पकड़ो ए, कंबल अपना लेके आइयो ये क्या कर दिया जान नहीं है ना शरीर में अभी मेरी शक्ति नहीं है मेरे शरीर में इतना सामान उठा दे कि मेरा न्यू प्लैंक यार हाँ ये भी गिर गया क्या ये लो मैं एकदम से चार पांच दिन के बाद थोड़ा सा काम करो तो यू नो पता है ना इसलिए तो मैं तुमको बुलाया थोड़ा एक्टिव करने के लिए करो इसको बंद करो बारिश में अब फिर भागना पड़ेगा ओहो इतना भागा ना आज मैं सारा कार्डियो तुम्हारी वजह से हो गया मैं सोचा आज मैं गीला हो जाऊंगा दुनिया इधर की उधर हो जाए कंचन को आज लेके आना है मैं भले गीला हो जाऊं ये दे दो दोनों मेरे को छोड़ दो चलो क्या फोन तो है ना ओके ओह चलो पहले मैं सोच रहा था वापस चले जाऊं बारिश हो रही थी फिर मैंने सोचा क्या फिर कब तक होती रहेगी है ना क्या? मैंने सोचा फिर होती रहेगी कब जाएंगे फिर मैं क्या चल दो मिनट लगेंगे कैसा लग रहा है मुझे देखकर हार डालेंगे अभी तुमको हम चल ना तेल चोएंगे सच में और भी कुछ हाँ तेल चोएंगे स्वागत करेंगे तुम्हारा और कुछ चलो मैं गले तो ना मिलूं ना अभी नहीं नहीं है ना अभी तो कुछ नहीं दूर से हाय हेलो मेरी सिस्टर आई है थोड़े दिन में कौन सी वाली सबसे छोटे वाली ओके उसको ले आना ओके और छोड़ देना जब तुम जाओगे ना मैं अरे खुल ना आइए आपका है? वो तेल चोने के लिए तेल लेने गई है हाय तो करो वर्चुअल हग है क्या मम्मी से बात कर रहे हो क्या मैं तो पजामे नाइट सूट ओ मैं तो थल्ले भी आया जाके मैं कड़ा उत्ते जाना होंदा तो ऐसे भी जा सकते हो ऐसे भी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है मेरे बिना जो तुमने वो कमरे की हालत बना रखी है ना चद्दर तक नहीं तुम सेट करते हैं मैं चाहता नहीं था कि कमरे से ना तुम्हारी याद जाए अच्छा वैसी बड़ी रहे। और नहीं कुछ मैं सेट करके जाती हूँ तुमको बताना भूल गया मैं क्या? बेबी का नाम भी डिसाइड कर लिया निक नेम नहीं मैं नहीं अभी बताऊँ हमने क्या किया था क्या किया था अगर उसकी अगर उसकी आगे तो डॉली पे चली गई होता है ना भाई बहनों पे भी चले डॉली पे चलेगी फिर तो हक्का नूडल्स ही लगेगा बट एक दूसरा ऑप्शन तो बता दूसरा क्या था चलो असली वाला नहीं बता रहे हो
गुच्छा छोले गुच्छा कुलचा नहीं।